कक्षा आठवीं का विषय हिंदी पढ़ेंगे। पाठ 19 और पाठ का नाम है कटु वचन मत बोलो। इस पाठ में बताया गया है कि जीभ और दांत दोनों मुंह के अंदर होते हैं। जीभ में लचीलापन होता है, इस कारण वह इधर उधर ऊपर नीचे मुड़ सकता है, जबकि दांत कठोर होते हैं। और इसी कारण, इसी लचीलेपन के कारण जीभ हमेशा जीवित रहता है और दांत जो है अपने कठोरता के कारण वह उम्र के साथ या झड़ जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर जो लेखक है वो ये समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को भी जीभ की भांति लचीलेपन के स्वभाव जैसे रहना चाहिए, अर्थात मनुष्य को नम्र स्वभाव के समान रहना चाहिए। कठोर वाणी से रिश्ते टूटते हैं और नजदीकियां दूरियां में बन जाती है। तो जो लेखक है वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमेशा नम्र स्वभाव को अपनाना चाहिए। कभी कभी जीव ऐसी वाणी बोल देते हैं कि सुनने वाले को, श्रोतागण जो होते हैं उसको बुरा लगता है, और ये छोटी सी बात बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े करवा देती है। एक उदाहरण दिया है लेखक ने। लेखक कहते हैं कि द्रौपदी जो महाभारत की द्रौपदी है वह हंसते हुए दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर उसका हंसी उड़ा देती है। तो वह सुनने वाला जो दुर्योधन था, दुर्योधन इस बात को बहुत गहराई से लेता है, उसको यह बात बहुत ही अप्रिय लगती है और आगे चलकर इस बात का बदला लेने के लिए वह द्रौपदी का वस्त्र हरण करता है। और द्रौपदी का वस्त्र हरण ही महाभारत का कारण बनता है। तो एक छोटी सी कटु वचन ने कितने बड़े झगड़े को सामने लाके रख दिया। तो लेखक का कहना है कि मनुष्य को हमेशा विनम्र स्वभाव के होना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, जो भी वह कहे वह सोच समझ कर कहना चाहिए। तो ये पाठ आपका पूर्ण होता है। इस पाठ का पीडीएफ आपको भेजा जाएगा। थैंक यू।